दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको जानवरों की ऐसी ऐसी हरकतें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि यार ये तो बड़े ही मजेदार जानवर है। इसलिए हमारी इस वीडियो को आप बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें भरपूर एंटरटेनमेंट है। अब जरा इस क्लिप को देखें, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी लोग डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। लगता है कि सामने से कोई खतरनाक जानवर इनके पास आ रहा है। आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा जानवर होगा जिससे कि ये इतने डर रहे हैं? शेर? अरे नहीं, ये तो एक हाथी है जो आगे आकर इन दोनों पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके चलते इस गुस्सेल हाथी भाई ने सामने खड़ी हुई गाड़ियां तोड़ दी और वहां से चलता बना। इस घटना के दौरान वहां के लोग इतने डर गए कि एक दूसरे को इस दुकान के अंदर घुसाने लगे। खैर, इस दौरान किसी को भी हानि नहीं पहुंची, बस हाथी भाई ने आसपास के चीजों को खराब कर दिया। देखो देखो, वो आ गया। भैया जिसमाइल, मरना तेरे को डर नहीं लगता? हम इंसान जब भी किसी नए जानवर को पहली बार देखते हैं तब हम बड़े ही खुश हो जाते हैं, और कभी कभार वो रिएक्शन तो देखने लायक भी होता है क्योंकि उस जानवर को हमने पहली बार देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवर के मामले में भी कुछ हद तक ऐसा भी होता है, और ये आपको हमारी अगली क्लिप देखकर पता चल ही जाएगा। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कुछ डॉल्फिन अपने सामने एक गिलहरी को देखकर कितनी खुश हो गई है। इनके इस रिएक्शन से एक बात तो पता चल ही गई कि इन्होंने इस गिलहरी को पहली बार ही देखा है, जो शायद इस जीव के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही है। देखो इसी तरफ आ रहा है, तू ध्यान मत देना, चल। धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाएगा। मस्त माल मेरी जो सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से बाल। लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। हाँ, बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार के। कई लोग जानवरों को देखने के लिए जू में चले जाते हैं ताकि वे लोग उन जानवरों को करीब से देख पाए और जान सके कि इन जानवरों की हरकतें आखिर होती कैसे हैं, जिस कारण कई जानवर कभी कभार ऐसे कांड भी कर देते हैं जिसका नतीजा जू में आए हुए लोगों को भुगतना पड़ जाता है। और वैसा ही एक नजारा हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि गोरिल्ला भाई अपने काम से काम मतलब रखते हुए कहीं जा रहे हैं, और वहीं इनके बगल में कुछ लोग भी खड़े हुए थे, जिनमें से एक शख्स को ये गोरिल्ला धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है, जिसकी उस शख्स के साथ क्या दुश्मनी है पता नहीं, जो शायद यही कह रहा होगा कि यार मुझसे बिना पूछे मेरी फोटो तूने ली कैसे। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। अरे बदतमीज इंसान, छुप छुप कर खूबसूरत लड़की की फोटो खींचता है। आराम से। अच्छा आ, तू भी आ, फोटो खींचेगा ना? ले खींच खींच। यहाँ पे ये सुअर अपने रास्ते से कहीं जा रहा होता है कि तभी पिछवाड़े से इस काऊ ने उस पर किक बरसा दिए। बेचारा सुअर भाई कुछ भी नहीं कर पाया, जो चुपचाप वहाँ से चलता बना। चिल्लाता क्यों रे? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? इंसानों के साथ तो बहुत प्रैंक हो गए, अब लोगों ने बेचारे जानवरों के साथ भी प्रैंक करने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा क्या हुआ वो आप यहाँ पे देखें। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता भाई बड़े आराम से अपना डिनर एंजॉय कर रहा था, मगर तभी इस भाई ने अपने खिड़की में से इस कुत्ते को उंगली करना शुरू कर दिया। जैसे ही इस कुत्ते को ये उंगली करता, तब कुत्ता पीछे की ओर देखता, जिसे यही लग रहा था कि पीछे खड़ा हुआ ये कुत्ता उसे उंगली कर रहा था। बाबू, अरे भाई मत रे, प्लीज मत दादा, कैमरा दादा, आई लव यू। बाबू, वरना तेरे को डर नहीं लगता? ए बाबू, मेरा दिमाग खराब मत कर। बाबू मान गया हो ना? साले तू साले मजाक बना के रख रहा है क्या?
इंसान है कि कौन? वो कहते हैं ना कि अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। जी हाँ, जिस किसी ने भी ये कहा है बिल्कुल सही कहा है। वो इसलिए क्योंकि इस बात का जीता जागता उदाहरण हमें यहाँ पर इस क्लिप में देखने को मिला। इस वीडियो में आप एक शेर को देख सकते हैं जो रात के वक्त इस गांव में घुस गया, मगर कुत्तों को पसंद नहीं आया कि उसके इलाके में दूसरा कोई आ जाए, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। जिस वजह से सभी कुत्तों ने प्लान बनाया और बेचारे इस शेर को फिर से उसके जंगल भगा दिया। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान। निकल यहाँ से, निकल। साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। क्या आपने जानवरों को एक दूसरे के साथ बात करते हुए देखा है? जाहिर सी बात है कि आपने ऐसा नजारा बिल्कुल नहीं देखा होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शख्स खुद की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस कुत्ता भाई के साथ उसके ही भाषा में बात करने लग गया, जिसके बाद अपने कुत्ते भाई ने क्या रिएक्शन दिया वो आप खुद ही देख लीजिए। जो यही सोच रहा होगा कि यार ये इंसान तो मेरी बिरादरी का लगता है। चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। यहाँ पर ये तोता सभी को गिटार बजाकर सुना रहा था, मगर गिटार बजाने के दौरान बिल्ली ने तोते को उंगली कर डाली, जिसके बाद ये तोता भड़का और उसी गिटार से इस बिल्ली की धुलाई करने लगा। जो कह रहा होगा गाना नहीं सुन रहा तो चुपचाप बैठ वरना फुटिया से। बहुत खराब कर रहे हैं। पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। खून पिलाऊंगा, सारा खून पिलाऊंगा। बात क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? दाब, दाब लगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।